विचित्र परिस्थिति है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और जो खास तौर से व्यवस्था परिवर्तन की जो बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पहले दिन से रटी हुई है, उस पर अगर हम नजर मारे तो हिमाचल प्रदेश व्यवस्था परिवर्तन के बजाय व्यवस्थाओं के पतन की तरफ जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि आज तक के इतिहास में इस प्रकार की परिस्थितियां रही होंगी। और नोटिफिकेशन जो होती है वो नोटिफिकेशन बैकडेट से की जाती है, आज तारीख 26 हो गई, लेकिन एक नोटिफिकेशन जो 23 तारीख को जारी की थी, जो आज पढ़ा चर्चा का विषय है जिस पर मैं थोड़ा तफसील से जाऊंगा, उसी नोटिफिकेशन के संदर्भ में आज फिर उसी तारीख से 23 तारीख की नोटिफिकेशन के यानी कि बैकडेट से नोटिफिकेशन करके आप सबके बीच में अपनी बात कहने की कोशिश की। सरकार चलती है, कुछ फैसलों को लेकर के विचार करने की संभावनाएं बनती हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान सरकार की स्थिति ये बन गई है कि पल पल पलटू की सरकार बन गई है। आज नोटिफिकेशन करते हैं, कल जब लोगों को जानकारी मिलती है ये नोटिफिकेशन हुई तो फीडबैक आता है, तो उसके बाद इनको लगता है कि ये तो गलत हो गया, गलत होने के बाद उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। कि कांग्रेस ने वादा किया था कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो 5 साल में 5 लाख नौकरियां दे दी जाएंगी और कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी, ये गारंटी थी। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में उस वक्त जो है कांग्रेस के जो प्रभारी थे उन्होंने कहा था कि, और कांग्रेस के हिमाचल के नेताओं ने भी कहा था कि 65,000 खाली पद पड़े हैं वो भी भरे जाएंगे और इसके अलावा 35,000 पोस्टें और क्रिएट की जाएंगी और 1 लाख नौकरियां 1 साल में दे दी जाएंगी। सरकार को हिमाचल प्रदेश में सत्ता आने के बाद 2 साल का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है और अभी तक अगर हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें कि जो नौकरियों की अगर बात कहें, अलग अलग आंकड़े इनके आते रहते हैं, कभी एक मंत्री कहते हैं कि 22,000 नौकरियां दे दी हैं, कभी बोलते हैं 28,000 नौकरियां दे दी है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि सही आंकड़ा क्या है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में सरकार के द्वारा जो नौकरियां दी गई वो आंकड़ा जो है वो बहुत कम है, ना के बराबर है, कोई नौकरी हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को नहीं मिली है। और नैतिकता तो ये बनती है कि अगर सत्ता में आने से पहले आपने हॉनेस्ट कमिटमेंट अगर लोगों के साथ की है, जनता के साथ की है, जो आप को सत्ता में आने की एक बहुत बड़ी वजह बनी है, उन वादों पर आपको पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने गारंटियां तो दी, लेकिन उन वादों को जो गारंटियां दी थी उन वादों के उन गारंटियों के बिल्कुल विपरीत काम चला हुआ है। और आज मैं विशेष तौर से आप सबके बीच में जो जिक्र करने के लिए आया हूं, ये एक नोटिफिकेशन जो है वो आप सबके बीच में 23 अक्टूबर 2024 को हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा जारी की गई है। और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में जितने भी पद जो है 2 सालों से रिक्त पड़े हैं उन सारे पदों को अबॉलिश करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए यह नोटिफिकेशन कर दी गई है।
और मैं क्षमा चाहूँ कि मैं पहली बार चश्मे का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन के चक्कर में मुझे चश्मा लग गया। अब इस नोटिफिकेशन में अगर आप देखें, जो 23 तारीख की नोटिफिकेशन है, और विचित्र मुझे यह लगता है, सबसे बड़ी बात, हैरानी की बात मुझे यह लगती है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों सारी चीजों को लेकर के मीडिया के ऊपर इस प्रकार से कहते हैं कि आप पूरी बात को पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं तो समझते नहीं हैं, जैसे कि सारे ज्ञान की जो है वो धारा जो है इनके ऊपर, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के ऊपर ही प्रवाहित हो गई है, और ज्ञान का अगर भंडार है तो ये दो लोग रह गए हैं हिमाचल प्रदेश में, इसके अलावा कोई बुद्धिजीवी आदमी जो है वो कुछ बात को समझता नहीं है, देश का, प्रदेश का कोई व्यक्ति किसी बात को समझता नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।